जैसा कि दोस्तों डिजिटल पंचायत योजना के बारे में तो आपको पता ही होगा, इसके लिए दोस्तों हर पंचायत में एक एक सीएससी वीएडी का चयन भी हो चुका है, जो अब पंचायत भवन में जाकर अटेंडेंस भी अपना बनाना शुरू कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों आने वाले समय में ये जो सीएससी के द्वारा चयनित सीएससी वीएडी हैं, उन्हें अपने ग्राम पंचायत में कौन कौन से सर्विस अपने आम नागरिकों को प्रोवाइड करना होगा, ये सारी चीज़ें दोस्तों अब क्लियर हो चुकी है। तो चलिए उसे हम अच्छे से जानेंगे कि कौन कौन सी सर्विस आने वाले समय में डिजिटल पंचायत के माध्यम से हमारे सीएससी वीएडी अपने आम नागरिकों तक पहुंचा पाएंगे। तो पूरी जानकारी दोस्तों हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि दोस्तों हमारे झारखंड का पंचायती राज का ये ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है, जहां से दोस्तों आप भी इस न्यूज़ को अच्छे से रीड एंड वॉच कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम अच्छे से समझने की और जानने की कोशिश करेंगे कौन कौन सा सर्विस आने वाले समय में हमारे सीएससी वीएडी अपने ग्राम पंचायत से अपने आम नागरिकों तक पहुँचा पाएंगे। जैसा कि दोस्तों हमारे निशा उरांव के द्वारा ये ट्वीट किया गया है, झारखंड सरकार के डिजिटल पंचायत योजना तहत पंचायत भवन में ही डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। निम्नलिखित सेवाओं का लाभ अब नागरिक शीघ्र उठा सकते हैं, जैसे कि जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, इसी प्रकार से बहुत सारी सेवाएं हैं दोस्तों, जिसे हमारे आम नागरिक अपने पंचायत भवन से इन सेवाओं का लाभ उठा पाएंगे। उपरोक्त योजनाएं सीएससी द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके अलावा शीघ्र ही और कई प्रकार की सुविधाओं को पंचायत स्तर पर उपलब्ध कराने की तैयारी चल रही है। पंचायत स्तर कर्मी की पंचायत स्तर पर उपस्थिति बायोमेट्रिक के माध्यम से अनिवार्य कर दिया गया है। पूरी सेवाओं का लिस्ट दोस्तों आप इस पीडीएफ की मदद से जान और समझ सकते हैं, और कितनी इसके लिए चार्ज हमारे सीएससी वीएडी को मिलेगा या कमीशन मिलेगा, पूरी जानकारी दोस्तों आप यहाँ से अच्छे से रीड एंड वॉच कर पाएंगे। जैसा कि दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा ऐसे डिजिटल पंचायत से, ये तो पहले भी बनता था, ये सारी जानकारी आपको पता ही होगा। लेकिन दोस्तों 30 रुपये का चार्ज आपको लेना है, जो भी हमारे सीएससी वीएडी होंगे, पहले भी यही चार्ज था। इसमें दोस्तों आपका क्या कमेंट है, आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे कि ये सही है या फिर इसे चार्ज को बढ़ाया जाना चाहिए था। इसी प्रकार से दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट, SC ST, बहुत सारी सेवाओं को दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इनकम सर्टिफिकेट, रेसिडेंस सर्टिफिकेट, इसी प्रकार से दोस्तों इसकी चार्ज भी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। क्या लगता है ये सही है या फिर इस चार्ज को और भी बढ़ाने का जरूरत था? इसके बाद दोस्तों EWS सर्टिफिकेट, पेंशन के लिए जो भी हमारे आम नागरिक होंगे उनका पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना, पूरी जानकारी दोस्तों यहां पे आप देख पा रहे होंगे। टेली लॉ सर्विस, ये जो CSC की है, साथ ही दोस्तों बैंक BC भी हर पंचायत को दिया जाएगा, जो भी हमारे CSC वाली उस पंचायत में सर्विस देंगे। इसी प्रकार से दोस्तों आगे आप देख पा रहे होंगे विभ्रांत ग्राम सभा, ये भी प्रोजेक्ट हमारे सीएससी वैली जो भी वहाँ पे सर्विस देंगे उन्हें इस प्रकार की सेवाओं को भी वहाँ से प्रोवाइड करना होगा। इसके साथ ही दोस्तों जन योजना अभियान, ई ग्राम स्वराज का जो भी काम होगा वो भी करना होगा। प्लानिंग, GPDP, ये सारी दोस्तों हमारे नॉर्मल सीएससी वैली नहीं करते थे, ये सारा काम पहले ब्लॉक के जो ऑपरेटर होते थे वो करते थे, लेकिन जो अब उस पंचायत में सर्विस देंगे उन्हें इन सारी चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। इसके लिए दोस्तों बहुत जल्द ट्रेनिंग दिया जाएगा कि किस प्रकार से ये सारी चीज़ें की जाएंगी और किस प्रकार से आप उस ग्राम पंचायत से इन सभी सर्विसों को दे पाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये पंचायती राज का, ये जो सारी सर्विस आप देख पा रहे होंगे इधर, ये पंचायती राज का सर्विस है। इन सारी चीज़ों को आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ऑडिट ऑनलाइन, एसेट डायरेक्टरेट्स, तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं दोस्तों ये पंचायती राज योजना के तहत ये सारी सर्विस आती है, तो ये भी आप हमारे सीएससी वीएडी को करना होगा। इन सभी सर्विस में आप देख पा रहे होंगे विथआउट कॉस्ट, मतलब ये जो आपको सैलरी दिया जाएगा तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए दिया जाएगा। अब आगे हम देखते हैं दोस्तों और कौन कौन सी सर्विस है। यहाँ तक तो हमने देख लिया 26 सर्विस अभी तक गवर्नमेंट की नज़र में है, जो हमारे सीएससी वाली पंचायत भवन में बैठेंगे उन्हें ये सब करना होगा। अब आगे बात करते हैं दोस्तों डिजिटल पंचायत प्रोजेक्ट में और कौन कौन सी चीज़ें आपको करना होगा, जैसे कि पंचायत MPR एंड रिपोर्ट, ये भी आपको अगर उस प्रकार की आपके पंचायत में होता है तो वो करना होगा। उन सभी रिपोर्ट को भी आपको ऑनलाइन जो भी वेब पोर्टल आएगी उसमें आपको सबमिट करना होगा। इसी प्रकार से वेरियस NOC एप्लीकेशन, करेक्टर सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ एज एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको, जैसे कि जेब पोर्टल में रजिस्ट्रेशन, ये तो सारी मुखियाओं का अभी तक लगभग हो चुका है, कुछ कुछ पंचायत का अभी तक नहीं हुआ होगा, लेकिन दोस्तों हमारे CCVL को अपने मुखिया को जेएम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही आवश्यक है, तभी वो 15वीं वित्त आयोग से कोई भी खरीदारी करेंगे तो आगे वो कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। अतः अनुरोध है कि उपयुक्त चिन्हित सेवाओं को डिजिटल पंचायत केंद्र के माध्यम से पंचायत भवन में ही उपलब्ध कराए जाने हेतु सभी संबंधित
को आवश्यक दिशा निर्देश निर्गत किया जा चुका है। यहाँ पे आप डेट भी देख पा रहे होंगे 22/12/2023 का। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें अब हमारे जो भी डिजिटल पंचायत में बैठेंगे जिनका चयन हुआ है उन्हें इन सारी सर्विस को प्रोवाइड करना होगा अपने आम नागरिकों तक और अपने पंचायत की जो भी प्रोजेक्ट है उसे भी उन्हें सबमिट करना होगा। डिजिटल पंचायत से रिलेटेड आपकी जो भी सुझाव या फिर जो भी शिकायत होगी आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि आगे क्या करना चाहिए और ये अच्छा है या फिर बुरा है हमारे CCVLE के लिए। आप दोस्तों अपनी महत्वपूर्ण कमेंट हमारे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में करने की कोशिश करेंगे। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।